शहर के सभी पुलिस अधिकारी हैं, SHO एंड अबव, उन सबका पिछले कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारियों ने काम किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी शहर के यहाँ आज पुलिस लाइन में पधारे। उन्होंने हमारे पुलिस अधिकारियों को सम्मान किया। हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाए। जवाहर फाउंडेशन की ओर से पुलिस लाइन में कोरोना वॉरियर्स पुलिस का सम्मान, पुलिस अधीक्षक सहित अजमेर के समस्त थाना प्रभारियों को माला साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर कोरोना किट किए भेंट। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा व अजमेर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का शनिवार को जवाहर फाउंडेशन द्वारा कोविड संक्रमण के दरमियान लागू लॉकडाउन में जान हथेली पर रखकर कार्य करने वाले कोरोना योद्धा पुलिस का वी सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम में पुलिस लाइन सभागार में सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, यह पुलिस विभाग के लिए चुनौती है। पुलिस विभाग सतर्क व संवेदनशील और सख्त है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए पुलिस विभाग को सहयोग करना चाहिए और राजस्थान एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। उन्होंने जवाहर फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य का उनके द्वारा किए गए इस सम्मान के लिए आभार भी जताया। जवाहर फाउंडेशन अजमेर की तरफ से आज हमारे जो शहर के सभी पुलिस अधिकारी हैं, SHO एंड अबव, उन सबका पिछले कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारियों ने काम किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी शहर के यहाँ आज पुलिस लाइन में पधारे। उन्होंने हमारे पुलिस अधिकारियों को सम्मान किया। सभी पुलिस अधिकारियों का जो शहर में उन्होंने अच्छा काम किया। जवाहर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 2-3 साल में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इसने अपना स्थान बनाया है, चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना काल में गरीब लोगों को खाने के पैकेट वितरित करने का काम हो, हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करने का काम हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना हो, हर तरह के काम में आगे रहा है ये फाउंडेशन। इसके सभी सदस्य काफ़ी सक्रिय है और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं पूरे जिला पुलिस परिवार की तरफ से जवाहर फाउंडेशन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह सामाजिक सेवा के जो कार्य अब तक ये करते आए हैं, हमेशा करते रहें और बेहतर करें। और हमारे पुलिस के लिए जो उन्होंने आज ये सम्मान समारोह रखा है, मैं मेरे पुलिस परिवार की तरफ से उन सबको बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से हमारे पुलिसकर्मियों का, पुलिस अधिकारियों का न केवल मनोबल बढ़ता है अपितु वे दुगने जोश के साथ अपने सरकारी सेवा के साथ साथ समाज के अन्य तबकों से जिनमें मानवीय अनुभूति की आवश्यकता है वो हमारे अधिकारी महसूस करते हैं, वो भी एक तरह से सामाजिक सेवा में अपना योगदान देते हैं। उसके लिए इस तरह के जो NGOs हैं, जो संगठन है, वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी एवं पुलिस विभाग द्वारा किए गए सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। जवाहर फाउंडेशन के सह प्रभारी शिव कुमार बंसल ने पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अंधेरे में आशा का दीप जलाते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखे वही पुलिस वाले कहलाते हैं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी, सुनील कुमार तेवतिया, उत्तर व्रत अधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, दक्षिण व्रत अधिकारी मुकेश सोनी, पार्थ शर्मा, दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह, क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत,
सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान, कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया, सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, महिला थाना प्रभारी विद्या देवी, अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर, ट्रैफिक डिप्टी नीतू राठौड़, अशोक विश्नोई का माल्यार्पण कर साफा पहना कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन की ओर से सभी पुलिस अधिकारियों को कोरोना सेफ्टी किट जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर आदि प्रदान किए गए। इस अवसर पर फाउंडेशन के डॉक्टर संजय पुरोहित, महेश चौहान, अशोक बिंदल, मंजू बलाई, आनंद बड़ाना, मनीष शर्मा, सुशीला गहलोत, कल्याण सिंह रावत, जय सिंह आदि पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया।